सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। कि हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें बड़ा मिरेकल दे के बुलाया है। मैं तो कैंसर से चंगी हुई हूँ, मैं तो ब्रेस्ट कैंसर से चंगी हुई हूँ, मैं तो यूट्रस कैंसर से चंगी हुई हूँ, मैं तो माइग्रेन से हील हुआ हूँ, मैं तो कोड से ठीक हुआ हूँ। लेकिन ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी प्रेयर करने में, ना कि ये रिप्लेसमेंट बन सकती हैं कि आपको लगे कि आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, परमेश्वर आपके साथ है, तो आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और बाइबल कहती है जब जब वो प्रार्थना करते रहे तब तक वो प्रबल होते रहे। आपको यही बात आज के नए नियम में भी आपको लागू मिलेगी। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रेयर कम होनी शुरू होगी, डेविल आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है, आपके बच्चों पे, आपके फाइनेंस पे, आपकी चीज़ों के ऊपर, सेहत के ऊपर। आपको लगता है आप चुने गए हैं, आप चर्च जाते हैं, आप प्रेयर नहीं करेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा कनान तेरा है लेकिन तुझे लड़ना होगा। परमेश्वर ने कहा यहोशू वो सामने कनान है, जा और उसे लड़कर जीत ले, मैं उसको तेरे हाथ में करता हूं, मैंने तेरे हाथ में तो उसे कर दिया है, लेकिन लड़ना तेरे बाकी है। और नए नियम में परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, शैतान और अंधकार की शक्तियों से है जिनका हेड ऑफिस आसमान में है। आप प्रेयर लाइफ कम करेंगे, आपकी लाइफ के ऊपर अटैक होने शुरू होते हैं। आप प्रेयर कम करते हैं, शैतान काम करना शुरू होता है। आपको लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च जाता हूं, सब कुछ ठीक है, मूसा हमारे साथ है, हम अनॉइंटिंग हमारे साथ है, लेकिन वो सब चीजें प्रेयर लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकती। कितने इस बात को समझ गए? अगर प्रेयर लाइफ नहीं है, आप चाहे चुने गए हों, बड़ा मिरेकल देके बुलाए गए हों, बड़ी हीलिंग देके परमेश्वर ने आपको चुना हो, बड़े काम आपकी लाइफ में किए हों, बड़ी योजना आपकी लाइफ में हो, आपको दिख भी रहा हो कि क्या मेरी लाइफ में होने जा रहा है, पर फिर भी अगर प्रेयर लाइफ आपकी लाइफ में कमजोर है, आपकी प्रेयर कमजोर है, वो सारी चीजें आसमान में खड़ी रह जाए। अपनी हाथों को उठा के ऊंची आवाज से बोलो मैं प्रार्थना करूंगा। फिर से बोलो, तीन बार बोलो ऊंची आवाज। फिर से बोलो आत्मा में जानी चाहिए। हालेलुया। अब अमालेकी कौन थे? परमेश्वर की योजनाओं के दुश्मन। और शैतान कौन है? परमेश्वर की योजना का दुश्मन। उसे मालूम है आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। वो जानता है कि आप एक ऐसी टेस्टिमनीज की ओर बढ़ रहे हैं जो लाखों लोगों की बरकत का कारण होंगी। आपकी जनरेशंस के लिए परमेश्वर आपकी गवाही तैयार कर रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके वंशों के लिए। मैंने कहा आपके बच्चे बेस्ट कुर्सियों के ऊपर होंगे, याद रखना। आप बेस्ट देशों में होंगे, याद रखना। बेस्ट प्लेसेस पे होंगे, बेस्ट फाइनेंसेस के नीचे होंगे, ग्रेस के नीचे होंगे। आमीन। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में देने के लिए बोली हैं, वो प्रेयर से हासिल होंगे। क्योंकि प्रेयर एक फाइट है, प्रेयर एक लड़ाई है। इसलिए परमेश्वर ने के दास पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ना। भविष्यवाणी का मतलब होता है परमेश्वर की योजना को समझ जाना, कि तेरी लाइफ में परमेश्वर यह काम करना चाहता है। अब उनके अनुसार कहता है लड़ाई भी लड़नी है, उनके अनुसार प्रेयर भी करनी है। परमेश्वर ने कहा एलिया जाकर राजा को बता कि बारिश आएगी। एलिया ने कहा अपने सेवक से जा और देख क्या कि कोई आसमान में कोई तुझे चिन्ह दिखाई देता है, किसी बादल का या किसी चीज का। और लिखा वो खुद घुटनों में मुंह देके प्रेयर करने लगे। जब परमेश्वर ने बोल ही दिया कि बारिश आएगी, फिर घुटनों में मुंह देके, यानी इतनी इंटेंसिटी से प्रेयर करने की क्या जरूरत है? जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने गतसमनी के बाग में प्रेयर की थी, और बाइबल कहती है उसका पसीना लहू की बूंदों के समान टपक रहा था। वो प्रेयर इतनी पावरफुल थी कि जीसस क्राइस्ट के जो ब्लड था वो पसीने से बाहर आ रहा था। वो इतनी इंटेंसिटी वाली प्रेयर थी। अगर चढ़ना ही है क्रूस के ऊपर तो प्रेयर करने की क्या जरूरत है?
अगर कल चढ़ना है क्रूस के ऊपर जीसस क्राइस्ट ने, तो आज प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? आज रेस्ट की जाए, बॉडी तैयार की जाए, शरीर में थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि कल बड़ा काम करना है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट के कामों की तैयारी, आपकी लाइफ की डेस्टिनी की तैयारी शरीर में नहीं हो सकती, ये आत्मा का काम है। आमेन। और जीसस ने सारी रात प्रेयर की, और आप जीसस के फॉलोअर हैं, है कि नहीं? कभी नाइट प्रेयर की है? कभी रात को 2 बजे उठ के प्रेयर की है? आपके जादू और टोना करने वाले लोग, खुदावंद की डेस्टिनी से नफरत करने वाले लोग, आपको पीछे चाहने वाले लोग के पीछे आप आ जाएं, रात को 2 बजे उठ के आप पे जादू और टोना करते हैं, आप पे वचनों को रिलीज करते हैं, श्रापों को रिलीज करते हैं, और कलीसिया 9 बजे सोती है और 9 बजे उठती है। रात को 8 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठते हैं। इमेजिन करो, शैतान ज्यादा अलर्ट है आपसे, और आपको यह मालूम होना चाहिए कि चाहे मिरेकल हो गया है, हीलिंग हो गई है, लेकिन आप एक बड़े मकसद के लिए बुलाए गए हैं, ये भी याद रखो। और वो मकसद पूरा नहीं होगा जब तक आप प्रेयर लाइफ को मजबूत नहीं करेंगे। मकसद पूरा नहीं होगा, मूसा का नहीं हुआ, जिसने खुदा को आमने सामने देखा, जिसने चेहरे से लाइट निकलती थी लोग देख नहीं पाते थे, जो प्रभु के करीब था, लाठी हाथ में थी, लाठी सामने करता, समुद्र 2 भाग होता था। अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड प्रेयर के बिना नहीं चल पाया, जीसस नहीं चल पाए। आज की कलीसिया कैसे चल पाएगी जबकि पाप चारों ओर से आपको घेरे हुए है? आपका फोन पाप का सबसे बड़ा एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है, अगर आप उसको वाइजली यूज नहीं करेंगे। आपका टीवी, आपका फोन, आपका इंटरनेट, आपका मोहल्ला, आप कैसे सर्वाइव आप कर पाएंगे स्पिरिट में? कैसे उन चीजों को हासिल कर पाएंगे जो खुदा ने आपके लिए रखी हुई है? अगर आप प्रेयर में कमजोर होंगे, तो प्रेयर में कमजोर होंगे, शैतान अटैक करेगा, व्यभिचार हावी लगने लगेगा, चोरी की इच्छा हावी लगने लगेगी, डर हावी लगने लगेगा। प्रेयर करेंगे तो बने रहेंगे, बचे रहेंगे, लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। आमेन। अगर ये समझ नहीं आई कि चाहे बुलाए गए हैं, चाहे मिरेकल हो गया है, चाहे बड़ी योजना है, प्रेयर करना रिप्लेसमेंट किसी चीज की नहीं है, ये करनी पड़ेगी। इजराइल लड़ रहे थे अन्य जाति राजा से, उसने अपने बड़े बड़े को कुर्बान कर दिया, इजराइली हारने लगे। शैतान ने अपनी कुर्बानी दी, इजराइली क्यों हारे? क्योंकि परमेश्वर इजराइलियों से गुस्सा हुआ। परमेश्वर ने कहा, एक अन्य जाति बंदा कुर्बानी की वैल्यू को समझता है, बीज की वैल्यू को समझता है, तुम नहीं समझते। तुम्हें नाश करने वाले लोग जो तुम्हें नाश करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी भेंटे लेके जाते हैं शैतान के पास, कि ये इसका लहू चढ़ा दो, ये कुर्बान कर दो, ये हम देते हैं, और आप लोग, जब हमें मालूम नहीं बीज की वैल्यू क्या है। और बीज एक ऐसी चीज है जिसे प्रेयर भी रिप्लेस नहीं कर सकती। बाइबल कहती है दोष बलि, लेवी व्यवस्था 5:14 में लिखा, एक दोष बलि चढ़ाते थे इजरायली लोग। परमेश्वर ने कहा, अगर तुमसे कोई भूल से पाप हो जाए तो दोष बलि चढ़ाना। लेकिन दोष बलि एक ऐसी बलि थी जिसके साथ सिर्फ बकरा अगर चढ़ा रहे हो, तो अगर बकरा वो 2,000 रुपए का है, तो वो याजक के पास लेके जाते थे कि मुझसे दोष हुआ है, मैं दोष बलि चढ़ाना चाहता हूं। तो याजक दाम निर्धारित करता कि ये बकरा 2,500 का है, तो 2,500 का है तो 20% एक्स्ट्रा जुर्माना लगेगा, 500 रुपया उसे जुर्माना पड़ता था साथ में, और बकरा भी चढ़ता था और 500 जुर्माना भी लगता था। 20% क्यों? ये टाइथ से डबल था, 10% से डबल। आप जानते, बाइबल की गहरी स्टडी बताती है, जब हम अपने बीजों को बोने में नाकामयाब होते हैं और अपना 10% नहीं देते, हम फालतू 20% फिजूल खर्ची करते हैं, और शैतान हमारे बीजों पे अटैक करके हमारा 5-5% खराब करता है। अगर आप नोटिस करेंगे, जिन महीनों में आपने टाइथ नहीं दे पाए, अगर आप नुकसान चेक करेंगे, डबल होगा टाइथ। ये बिब्लिकल है, लेकिन पास्टर्स बताते नहीं, उन्हें लगता है कि लोग कुछ अलग ना सोचें। मैं बता सकता हूं कि मैं आपकी ऑफरिंग पे नहीं हूं, आपकी ऑफरिंग मैं नहीं लेता हूं, वो चर्च के पास जाती है और 100% परमेश्वर के कामों के लिए यूज होती है। मेरा अपना बिजनेस है जो मैं करता हूं, प्रिंटिंग प्रेस का, उससे मेरी इनकम आती है। तो जब हमें
स्पिरिचुअल रूल हम ब्रेक कर देते हैं तो लाइफ में हारने लगते हैं, फाइनेंस में हारने लगते हैं। परमेश्वर ने कहा जब तुम बर्नट ऑफरिंग होम बलि चढ़ाने के लिए आना तो उसकी गंदगी निकाल देना। कबूतर है तो उसका जो जहां उसका गोबर होता है, मल होता है, उसको थैली को निकाल के फेंक देना। बछड़ा चढ़ा रहे हो तो उसकी आंतरियों और पैरों को धोना, गोबर हटा देना, फिर चढ़ाना। कि जब तुम प्रेयर करने के लिए आओगे तो अपनी लाइफ से पहले पापों को, गुनाहों को दूर करना। तुम अगर जेलसी से भरे हुए हो, चाहे वो अपनी जठानी से क्यों नहीं है, दरानी से क्यों नहीं है, अपने भाई से क्यों नहीं है, गुस्से से भरे हुए हो, बदला लेने की ताकत से भरे हुए हो कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होंगी, बाइबल कहती है। अगर तुम अपने पति पत्नी जपने झगड़े सॉल्व नहीं करते हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती, बाइबल कहती है। आपको मालूम, पौलुस ने कहा अगर तुम अपने झगड़ों को सॉल्व नहीं करते अपने घर में तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, बाइबल कहती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब बर्नट ऑफरिंग, जब होम बलि, यानी होम बलि होती थी जो पूरी चढ़ती थी, उसका कोई भी हिस्सा जानवर का खाल छोड़ के सारा चढ़ता था, आंतरियां भी चढ़ती थी, तो परमेश्वर ने कहा था कि मल निकाल देना, गोबर निकाल के फिर चढ़ाना। आपके दिल में गुस्सा है आपके रिश्तेदार के लिए, आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होंगी। आपके दुश्मन ने आपसे कुछ गलत किया, आप वेट में है कब मैं इसकी ऐसी की तैसी करूंगा, आपकी प्रेयर्स कबूल नहीं होंगी। प्रेयर करना जरूरी है, और मैंने आपको बता दिया क्यों जरूरी है, बता दिया फाइट करनी क्यों जरूरी है, बता दिया आप चुने गए हैं, मिरेकल ले लिया है, खुदा आपके साथ है, मसा आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। प्रेयर इसको रिप्लेस, प्रेयर को रिप्लेस ये नहीं कर सकता, प्रेयर करनी पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया। छुटकारा क्यों नहीं होता लोगों का, प्रेयर में कमी, प्रार्थना के टाइम में कमी, नाइट प्रेयर ना करना, रात को उठ के प्रेयर ना करना, कभी कभी फुल नाइट प्रेयर ना करना, रोज 2 घंटे 24 मिनट 2.5 घंटे परमेश्वर को ना देना, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब सेकंड पॉइंट, कि जब प्रेयर करनी है उसके पहले की तैयारी, जब होम बलि चढ़ा रहे हो तो उसने कहा गोबर को हटा के होम बलि चढ़ाना, जब प्रेयर करने जा रहे हो अपने दिल से गुस्से निकालो, वैर निकालो, विरोध निकालो, आत्मा को हल्का करो, प्रेयर करने जाओ, प्रेयर लगेगी। हालेलुया। लोगों ने दोष बलि चढ़ाने जाते थे तो 20% जुर्माना लगता था, कि अगर टाइट नहीं दिया 20% दोष बलि के साथ जुर्माना भी लगेगा, और याजक जितना ठहराता था जुर्माना लोग देते थे, क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था उसके लोग किसी भी तरह से नीचे रहें। परमेश्वर को मालूम था प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान कब्जा कर लेगा, अगर ये बोएंगे नहीं तो फाइनेंस में कमजोर रहेंगे, श्राप इन पे रहेगा, तो भी मेरी मकसद इनकी लाइफ में पूरा नहीं होगा। जब लोग इनको देखेंगे श्रापों में, फाइनेंशियल ट्रबल में, कर्जों में, तो मेरे नाम की महिमा नहीं होगी। तो परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई थी ताकि ये लोग ब्लेस्ड रहें। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था 2 उसकी 13 में लिखा अपनी अन्न बलियों को नमकीन बनाना, अपना कोई अन्न बलि परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित ना होने देना, अपने चढ़ावों के साथ नमक देना। हालेलुया। नमक लाने के लिए परमेश्वर ने कहा कौन सा नमक, फिर देखो लेवी व्यवस्था 2:10, अन्न बलियों में जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे हुए यहोवा के हवनों में परम पवित्र भाग होगा। कोई अन्न बलि जिसे तुम परमेश्वर के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया ना जाए, तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु शहद ना जलाना। परमेश्वर ने कहा जब तुम भेंट को लेके आना तो खमीर नहीं होना चाहिए उसमें, अखमीरी रोटियों का बनाना उसे। खमीर किसको दर्शाता है? वो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है, जिसे दही बनता है, आटे में लोग डालते हैं, बेकरी वाले लोग डालते हैं उसे फुलाने के लिए, फर्मेंट करने के लिए। परमेश्वर ने कहा उसको मत देना, क्योंकि जो खमीर है वो पाप को दर्शाता है, वो मिलावट को दर्शाता है। और परमेश्वर ने कहा तुम नमक को अपने चढ़ावों के साथ देना, नमक मेल मिलाप को दर्शाता है, नमक प्रिजर्व करता है। आप चिप्स खाते हैं उसमें नमक क्यों होता है इतना ज्यादा? अचारों में लोग नमक क्यों डालते हैं? जिस चीज में नमक ज्यादा होता है वो खराब नहीं होती। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तो नमक मेल मिलाप को दर्शाता है।
हालेलुया। और उसने कहा मधु और खमीर मत चढ़ाना, कि जब तुम प्रेयर करने के लिए बैठोगे अगर मिलावट है, खमीर है, तो वो चढ़ावा कबूल नहीं होगा, प्रेयर करनी पड़ेगी, ये पता लग गया। लेकिन किस लाइफ के साथ करनी है, किस मोटिव के साथ करनी है, किस एटीट्यूड के साथ करनी है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। माफ करके नहीं करेंगे, मसलों को हल करके नहीं करेंगे, तो आप स्पिरिट में समझ जाएंगे कि आपकी प्रेयर जो है वो कबूल नहीं हो रही। आपके घरों के मसले आप हल नहीं करते, आपकी प्रेयर कहीं नहीं जा रही। जब प्रेयर कहीं नहीं जा रही तो फिर वहां शैतान है जहां प्रेयर नहीं। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते थे कि प्रार्थना में ब्रेक लगना मसीहियत में ब्रेक लगने के बराबर है। अगर तुम्हारी प्रार्थना में ब्रेक लग गई है तो तुम्हारी मसीहियत में ही ब्रेक लग चुकी है, खुदा में ब्रेक लग चुकी है। मैं चर्च से छुट्टी करके जा सकता हूं लेकिन प्रेयर से कोई छुट्टी नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि मुझे 2 दिन रेस्ट करने जाना है, सोमवार मैं रेस्ट कर रहा हूं लेकिन प्रेयर से रेस्ट नहीं कर रहा हूं। आपकी रेस्ट केवल प्रेयर की होती है। आज मुझे रेस्ट करनी है, आज कोई प्रेयर नहीं होगी। और शैतान को मालूम है ये रेस्ट डे है और वो अपना काम करना शुरू करता है। इसलिए बाइबल कहती है कलीसिया लॉ लगाकर प्रेयर करने लगी। कलीसिया को मालूम हुआ कि जब याकूब एक चेले को मरवा दिया, कलीसिया शॉक हो गई, अच्छा इतना मसा, इतनी हीलिंग, इतनी मिरेकल, चेला मर गया। उन्हें याद आया कि वो प्रेयर नहीं कर रहे थे। जब पतरस को भी पकड़ लिया, बाइबल कहती है उन्होंने लॉ लगाकर प्रेयर की। उन्हें अपनी गलती याद आई कि चाहे हमारे पास मसा है, पावर है, हीलिंग है, डिलीवरेंस है, लेकिन प्रेयर हमें करनी पड़ेगी शैतान के कामों को नाश करने के लिए। जब उन्होंने प्रेयर की, परमेश्वर ने दूत को भेजा, पतरस छुड़ाया गया और जेल से बाहर निकला। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं, चेले नहीं बचे प्रेयर ना करके, वो नुकसान में रहे। जीसस को प्रेयर करनी पड़ी, मूसा को करनी पड़ी, हमें भी करनी पड़ेगी। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और किस एटीट्यूड के साथ, किस स्पिरिट के साथ, माफी वाले हृदय के साथ। परिवार में मसले हैं, सॉर्ट करो उन्हें, हल करो उन्हें। खासकर हस्बैंड वाइफ, बच्चे, जो क्लोज फैमिलीज हैं, माता पिता, सॉर्ट आउट करो, खत्म करो, प्रेयर में बैठो। दुश्मन है, दुश्मनी है, फिनिश करो, दिल से निकालो अभी, नहीं तो आप प्रेयर करेंगे वो वेस्ट होंगी। जब शैतान फिर अटैक करेगा आप डिलीवरेंस नहीं पा पाएंगे। अपने मसले को हल करो, अपने मसलों को खत्म करो, अपनी प्रेयर लाइफ को सीधा करो, प्रायोरिटी सेट करो, गंदगियों को निकालो ताकि प्रार्थनाएं कबूल हों, बलियां कबूल हों। जो स्टैंडर्ड है वर्ड के उसे पूरा करो अपनी लाइफ के अंदर। अपने हाथों को उठाओ, वायदा करो खुदावंद के साथ।